ताल माला के आज के इस भाग में ताल के 10 प्राणों पर हम चर्चा करते हैं। प्राण, जिस प्रकार मानव शरीर में प्राण होते हैं, प्राणों के बिना मानव जो शरीर है वो मिट्टी का ढेर है। इसी प्रकार प्राचीन काल के विद्वानों ने ताल में 10 प्राणों को बतलाया है, अर्थात उन 10 तत्वों का समावेश किसी भी ताल में होना आवश्यक है, जिससे वह ताल बने। नारद कृत संगीत मकरंद में भी इसका उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार 10 प्राण काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार है। इन प्राणों का प्रयोग प्राचीन काल में अधिक होता था। दक्षिण या कर्नाटकीय संगीत में अब भी इन प्राणों का विशेष उपयोग है, परंतु उत्तर भारतीय ताल पद्धति में बहुत कम प्राणों का प्रयोग देखने को मिलता है। अब हम इनको इस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले काल। काल का शाब्दिक अर्थ समय, अवधि या युग से है। यह काल अत्यंत व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत सृष्टि के उद्गम से प्रलय तक का समय निहित है, परंतु संगीत में काल का अर्थ केवल उस समय से लिया जाता है जितने समय में गायन, वादन या नृत्य किया जाए। किसी ताल के आवर्तन तथा गाने की स्थाई अंतरा उसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे तो काल नापने के लिए वर्ष, माह, सप्ताह, दिन इत्यादि हमने बनाए हैं, परंतु संगीत के क्षेत्र में काल नापने के लिए प्राचीन शास्त्रकारों ने निमेश को आधार माना। निमेश का अर्थ है वह समय जितना एक पलक झपकाने में लगता है। प्राचीन शास्त्रकारों ने 8 निमेश के काल को एक कला माना। संगीत में समय नापने के अन्य माप इस प्रकार से हैं। इस चार्ट में आप देखिए, 8 निमेश के मायने हो गए एक कला, 2 कला का मायने हो गया एक चतुर्भाग, 2 चतुर्भाग का मायना हुआ एक अणुद्रुत, 2 अणुद्रुत का एक द्रुत, 2 द्रुत से बना एक लघु, 2 लघु को हम कहेंगे एक गुरु, 3 लघु से एक प्लुत, 4 लघु से एक कागपद। इस प्रकार यह काल को नापने का मापक है। अब देखें मार्ग। किसी ताल की उस रीति को जिससे वह अपनी प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा तक चलता है उसे मार्ग कहेंगे। मात्रा की माप, ताली, खाली तथा विभागों की एक दूसरे से दूरी आदि को ध्यान रख मार्ग के अंतर्गत आता है। प्राचीन शास्त्र में मार्ग के 4 प्रकारों का उल्लेख है, ध्रुव, चित्र, वार्तिक और दक्षिण। क्रिया, किसी कार्य के करने को क्रिया कहते हैं। ताल विद्या में ताल को हाथ से आघात करने पर हम इसे क्रिया कहेंगे। ताल देते समय हम देखते हैं कि कभी करतल ध्वनि दी जाती है और कभी हाथ बाईं या दाईं ओर झुका दिया जाता है, अतः क्रिया 2 प्रकार की हुई, सशब्द क्रिया और निःशब्द क्रिया। अब पहले देखें सशब्द क्रिया। दोनों हाथों के द्वारा ताली देकर ताल दिखलाने की क्रिया को सशब्द कहा जाता है। इसके हम उदाहरण अपने तालों में देख सकते हैं। जैसे 3 ताल का देखिए, 1ली, 5वीं, 13वीं मात्रा पर करते हैं इसे। यह क्रिया मुख्यतः 4 प्रकार से है। चुटकी बजाकर इसको हम कर सकते हैं, दाएं हाथ पर बाएं हाथ से आघात करके, या बाएं हाथ पर दाएं हाथ से आघात करके,
या दोनों हाथों के परस्पर आघात करके। इन चारों क्रियाओं को क्रमशः ध्रुवा, सम्यक, ताल और सन्निपात कहते हैं। अब देखिए निःशब्द क्रिया। इस क्रिया के अंतर्गत ताली न देकर केवल दाहिने हाथ को एक ओर झुकाकर मात्राएं गिन ली जाती हैं, जैसे तीन ताल की नवी मात्रा तथा झप ताल की छठी मात्रा पर हम करते हैं। दूसरे शब्दों में किसी ताल में खाली दिखलाने की क्रिया को निःशब्द क्रिया कहा जाएगा। सशब्द क्रिया के समान निःशब्द क्रिया की भी चार प्रकार से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। एक, हम हाथ ऊपर उठाकर उंगलियों को बंद करना, जिसे आवाप कहते हैं। फिर है हाथ को ऊपर उठाकर उंगलियों को खोलना, जिसे निष्क्रम कहते हैं। फिर है उंगलियों को दाहिनी ओर हिलाना, जिसे संगीत की भाषा में विक्षेप कहा जाएगा। और हाथ को नीचे करके बाईं ओर हिलाना, जिसे प्रवेश कहा जाता है। वर्तमान में उत्तर भारत में इन क्रियाओं का प्रयोग लगभग नहीं है। अंग, जिस प्रकार उत्तर भारतीय ताल पद्धति में सुविधा तथा ताल के स्वरूप को स्थापित करने के लिए विभाग बनाए गए हैं, उसी प्रकार कर्नाटक ताल पद्धति में अंग बनाए गए हैं। प्रत्येक ताल के विभाग अलग अलग मात्राओं के होते हैं। प्राचीन काल में दक्षिण में इनका प्रयोग 6 मुख्य अंगों द्वारा होता था, पर आधुनिक ताल पद्धति में केवल प्रथम 3 अंगों का ही प्रयोग होता है। सभी अंगों के नाम, चिन्ह और इनके अक्षर काल हम इस चार्ट में देख सकते हैं। जैसे अंग हैं अणु, द्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, कात्पत। अब इनके चिन्ह भी दिए गए हैं और इनका जो अक्षर काल है, इसे हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखकर दर्ज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उत्तर भारतीय पद्धति में इन अंगों का विशेष महत्व नहीं है। ग्रह, ताल की जिस मात्रा से कोई गीत या गत को प्रारंभ किया जाता है, उस स्थान को ग्रह कहते हैं। ताल ग्रहण करने के स्थान को ग्रह हम कह रहे हैं। बहुत से गीत या गत ताल के प्रथम मात्रा से तथा बहुत सी किसी अन्य मात्रा से प्रारंभ होते हैं। अतः ग्रह के 2 प्रकार हो गए, समग्रह और विषमग्रह। समग्रह वह होगा जब गीत या गत का प्रारंभ ताल के प्रथम मात्रा या सम से होता है, उसे समग्रह कहेंगे। विषमग्रह जब गीत या गत का प्रारंभ ताल के प्रथम मात्रा से न होकर अन्य किसी मात्रा में होता है, तो उसे विषमग्रह कहते हैं। इसी विषमग्रह के अंतर्गत 2 उपग्रह, अतीत ग्रह और अनागत ग्रह माने गए हैं। अतीत ग्रह, अतीत का शाब्दिक अर्थ हुआ बीता हुआ, अर्थात गीत प्रारंभ हो जाने के बाद जब ताल क्रिया प्रारंभ हो तो उसे अतीत ग्रह कहेंगे। कभी कभी संगीत में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए भ्रमात्मक सम के बाद दिखलाया जाता है, उसे भी आजकल अतीत ग्रह कहते हैं। अनागत ग्रह, अनागत का अर्थ है आने वाला। मुख्य सम से पूर्व ही जब गीत या गत प्रारंभ होता है तो उसे अनागत ग्रह कहते हैं। कभी कभी संगीत में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए भ्रमात्मक सम से पूर्व दिखलाया जाता है, उसे भी अनागत ग्रह कहते हैं। जाति, कर्नाटकीय ताल पद्धति में जाति महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं जातियों से यहाँ की ताल पद्धति का विकास हुआ। जाति से किसी भी ताल की मात्राओं का बोध होता है और विभाग की मात्राओं की संख्या बदल जाने से उसका वजन बदल जाता है, फिर उन्हीं से जातियां बनती हैं। हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, दक्षिण में तालों की लंबाई कम अधिक करने के लिए जातियों का प्रयोग किया जाता है। जातियां 5 प्रकार की हैं, त्रिश्य, चतुश्य, खंड, मिश्र और संकीर्ण। इन्हीं जातियों के बदल जाने से लघु की मात्रा की संख्या क्रमशः 3, 4, 5, 7 और 9 हो जाती है। इसके आधार पर कर्नाटक की 35 तालों की रचना हुई है। उत्तर भारत की तालों
तो हम इस प्रकार जातियों के उदाहरण में रख सकते हैं, चतुष्य में तीन ताल, कहरवा, तिलवाड़ा, त्रिश्य में दादरा, मिश्र में झूमरा, खंड में झपताल तथा संकीर्ण में धमार। कला, कला का अर्थ है भाग और अक्षर काल के विभाजन को कला कहते हैं। यदि एक अक्षर काल में एक स्वर, दो स्वर या चार स्वर गाए जाएंगे तो उन्हें एक कला, दो कला या चार कला कहेंगे। अगर एक अक्षर काल के तीन भाग करके प्रत्येक भाग में एक एक स्वर गाएंगे तो प्रत्येक भाग एक कला कहलाएगी और उस अक्षर काल को तीन कला वाला एक अक्षर काल में जितने कलाएं होती हैं उन कला समूह को गति कहा जाता है। लय, संगीत में समय के समान गति को लय कहते हैं, जो दो क्रियाओं के बीच में रहने वाली विश्रांति, ठहराव या अवकाश से बनती है। लय संगीत का आधार है, इसके अभाव में संगीत की कल्पना व्यर्थ। लय तो अनेक प्रकार की होती हैं या हो सकती हैं, परंतु विद्वानों ने सुविधा के लिए से मुख्य तीन प्रकार से बांटा है। पहले विलंबित लय, फिर मध्य लय, उसके बाद द्रुत लय। यति, ताल के प्रवाही गुण को यति कहते हैं। शास्त्रों में इसके पांच प्रकार माने गए हैं, समायति, उत्तरागण यति, मृदंग यति, गोपुच्छा यति तथा पिपीलिका यति। प्रस्तार, जिस प्रकार स्वरों का विस्तार किया जाता है उसी प्रकार ताल के अंगों का भी विस्तार किया जाता है, उसे ही प्रस्तार कहा जाता है। किसी कायदे, पेशकारे या लग्गी आदि का विस्तार करना या पलटे करना ही प्रस्तार है। पखावज वादन में पेश का विशेष जोर दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं ताल के 10 प्राण। मुख्यतः यह क्रियात्मक विषय है, पर इसके शास्त्र विधा को सबको जान लेना चाहिए।